पिछले 44 सालों से वॉयेजर यान अंतरिक्ष में निरंतर सफर में है। भयानक रेडिएशन और जानलेवा एस्टेरॉइड्स के बीच से होते हुए ये यान आज सर्द और जमा देने वाले अंतरिक्ष तक पहुंच बना चुके हैं। इन यानों ने इस खुले अंतरिक्ष में 23.3 बिलियन किलोमीटर का सफर तय किया है, जो सिवाय वॉयेजर्स के आज तक इंसानों द्वारा भेजा हुआ कोई भी यान तय नहीं कर सका। अरबों मीलों का ये कारवाना जाने कितने ही रहस्यों और राजों से पर्दा उठाते हुए दूर अंतरिक्ष में अपनी मंजिल की खोज में है। वेल, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पर तो हमने आज तक बहुत से एपिसोड किए हैं, मगर आज बारी है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के भीतर लगे गोल्डन रिकॉर्ड में झांकने की। आज आप 20वीं सदी के उस महान वैज्ञानिक के दिमाग की उपज को जानेंगे, जिसने इस मामूली से इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट को एक बेहद खास और यूनिक मैसेंजर बना दिया। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और रुख करते हैं अरबों मील दूर किसी अनजान मंजिल की ओर बढ़ रहे इस संदेश वाहक का। इंसानों ने अपनी समझ की मदद से वो कर दिखाया जो शायद कोई और सभ्यता चाहते हुए भी ना कर पाती। इस सब का क्रेडिट जाता है इंसानों की इंतहाई जुझारू बुद्धि और खोजी सोच को, जो हर वक्त कुछ न कुछ नया जानने में जुटी रहती है। और इसी आदत की बदौलत आज हम न केवल बेहद विकसित बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश देते फिर रहे हैं। इन्हीं में से एक है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स, इंसानों की वो अमानत जो आज सौरमंडल की सीमाओं को लांघ कर घने काले अंतरिक्ष में बढ़ता चला जा रहा है। आइए अब चलते हैं वक्त में पीछे और जानते हैं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स की उस अनकही कहानी के बारे में। ये दौर था सन 1960 के दशक का, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ठनी हुई थी। हथियारों से लेकर धरती के उस पार मौजूद अंतरिक्ष तक हर जगह अपने आप को अव्वल साबित करने की होड़ लगी हुई थी। ऐसे में कभी अमेरिका जीतता हुआ नजर आता तो कभी सोवियत्स अमेरिकियों को शिकस्त देकर एक कदम आगे पहुंचते हुए दिखाई देते। मगर इस वहशत का अंत तब हुआ जब नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन से वो कर दिखाया जिसे आज तक इंसान सिर्फ सोच ही सकते थे। जी हाँ, ये बात है सन 1969 की, जब पहली बार किसी इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इसके बाद तो क्या था, एक और अमेरिका में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी तो वहीं सोवियत्स में गम और अपने प्रतिद्वंदी की जीत का मलाल छा गया। इसी बीच मिड 60s में एक दिन यही सोचते सोचते नासा के दफ्तर में बैठे इस नौजवान के दिमाग में एक ख्याल आया, और वो ख्याल था सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक पहुँच बनाने का। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि नासा के मशहूर साइंटिस्ट और इंजीनियर ग्रे फ्लैंड्रो थे। आज से पहले तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल के बाहरी ग्रहों तक नहीं पहुंचा था, और अब बारी थी इन्हीं हदों को पार करने की। मगर ये कर पाना उस दौर में लगभग नामुमकिन था, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट को इस कदर बेहद दूर पहुंचाने के लिए जरूरत होती है बेहद पावरफुल इंजन्स की, जो स्पेसक्राफ्ट को सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कराने में काबिल हो। और न केवल इंजन बल्कि इतना सारा फ्यूल स्पेस में पहुंचाना भी एक बड़ी अड़चन थी, जिसका समाधान ग्रे फ्लैंड्रो और उनके मैथमेटिशियन साथी माइकल मैनोविच ने ढूंढ निकाला। उस दौर के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर और अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने फिजिक्स की एक बेहद कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का हल निकाला, जिससे ये साफ हो गया कि मार्स के पार गैसियस प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप में ही इन जाइगेंटिक प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्सेज हमारे स्पेसक्राफ्ट को एक एस्केपिंग फोर्स देंगी, जिससे कि फ्यूल की एक बूंद खर्च किए बिना भी हम इन जोवियन प्लैनेट्स तक पहुंच सकेंगे। ये खोज एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स में किसी क्रांति से कम नहीं थी, क्योंकि इसने एस्टेरॉयड बेल्ट के बंद पड़े दरवाजों को इंसानों के लिए हमेशा के लिए खोल दिया था। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो के स्पॉन्सर कोको FM ने हमारे लिए खोले हैं। जी हाँ, हमारी रिसर्च का साथी और ज्ञान का स्रोत कोको FM डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी का नॉलेज पार्टनर है। वेल, जब हम इस ब्रह्मांड के अनंत सफर पर निकलते हैं तो हमारी राह को आसान बनाती है सर स्टीफन हॉकिंग की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो आपको ले जाएगी ब्रह्मांड के अनंत सफर पर, जहां आप समझेंगे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, सिंगुलैरिटी की थ्योरी, वो भी हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ कोको FM पर मौजूद इन ऑडियो बुक समरीज के माध्यम से। कोको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां आपको मिलेगा 1000 से भी ज्यादा घंटों का फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और एजुकेशनल कंटेंट। यहाँ पर मौजूद है बुक समरीज आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में, तो जिन किताबों को आप आज तक पढ़ना चाहते थे आप उन्हें आंखें बंद करके सुन भी सकते हैं, वो भी अपनी इमेजिनेशन के साथ। कोको FM पर आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो एक ऑफर मेरी तरफ से भी, कोको FM को सब्सक्राइब करते हुए यूज कीजिए कूपन कोड DL50 और आपको मिल जाएगा पूरे 50% का ऑफ। तो है ना ये फायदे का सौदा।
तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकु FM। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड सी द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो आइए वापस आते हैं अपनी इस वीडियो पर। तो एक बार जब सौरमंडल के पार जाने का ये तरीका पता चल गया तो नासा ने अपने एक्सट्रीम इंटरप्लेनेटरी मिशन की शुरुआत की। इस कड़ी में सन 1972 में पायनियर 10, फिर 1973 में पायनियर 11 भेजा गया, मगर अब भी सबसे अहम मिशन बाकी था और वो कोई और नहीं बल्कि वॉयजर नाम के दो आइडेंटिकल स्पेसक्राफ्ट थे जिन्हें खास सौरमंडल की सीमाओं को छूने के लिए बनाया गया था। वैसे तो इस एक स्पेसक्राफ्ट से ही इतनी सारी कहानियां जुड़ी हैं जिन्हें सुनाते सुनाते घंटों बीत जाएंगे, मगर किससे खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। मगर आइए अब सीधा नजर डालते हैं इसमें इंस्टॉल्ड आइकॉनिक गोल्डन रिकॉर्ड पर। वेल, कितना एक्साइटिंग है ना ये आइडिया, एक अनजान सफर पर जा रहे स्पेसक्राफ्ट के साथ मानवता की बेशुमार निशानियों को भेजना। इस ख्याल में कि एक दिन हमारा ये मैसेंजर एलियंस के हाथ लगेगा तो वह हम इंसानों की मौजूदगी का एक पुख्ता सबूत पाएंगे और हो सका तो हमसे संपर्क साधने की भी कोशिश करेंगे। सुनने में तो ये काफी सिंपल और इजी लगता है, मगर इसके पीछे दुनिया भर की कॉम्प्लेक्सिटीज और सवाल जवाब छिपे थे। मानवता के इस संदेश को सुदूर अंतरिक्ष में पहुंचाने का बीड़ा उठाया महान अमेरिकी वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर सर कार्ल सेगन ने। बेशक जितना रोमांचक हमारे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स का सफर रहा उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है इसमें लगे गोल्डन रिकॉर्ड्स की। हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था कि ये गोल्ड प्लेटेड फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑडियो और पिक्चर्स का एक बेहतरीन कलेक्शन है जो अपने भीतर धरती और इस पर मौजूद आम से आम चीजों से लेकर बेहद नायाब और खासम खास चीजों की तस्वीरों को समाये हुए है। वॉयजर के इस गोल्डन आर्काइव में 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन संदेश शामिल हैं। इन 55 भाषाओं में हिंदी, कन्नड़ा, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू, ओडिया और बांग्ला समेत 10 भारतीय भाषाएं एवं अकेडियन, हिब्रू, सुमेरियन, क्विचुआन और नगोनी जैसी बेहद प्राचीन भाषाएं और बोलियां भी मौजूद हैं। इस गोल्डन रिकॉर्ड में न केवल ग्रीटिंग ऑडियोज बल्कि बहुत सी ह्यूमन साउंड्स जैसे लाफ्टर यानी हंसी और ठहाकों की आवाज, फुट स्टेपिंग यानी कि कदमों की आवाज भी शामिल है। यहाँ बता दें कि कदमों एवं हंसने की आवाज खुद वैज्ञानिक कार्ल सेगन की है। इसके साथ ही इसमें एक 6 साल के बच्चे के ऑडियो भी मौजूद हैं, जो कोई और नहीं बल्कि साइंटिस्ट कार्ल सेगन के बेटे निक सेगन की आवाज है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स में बेशुमार ऑडियो और म्यूजिक कलेक्शन के साथ ही 115 तस्वीरों का भी संग्रह है। यह 115 तस्वीरें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से ली गई हैं। भारत की तरफ से इस कलेक्शन में 7वें अजूबे ताजमहल और साथ ही एक ट्रैफिक जाम वाली सड़क का दृश्य भी है। इस रिकॉर्ड में अधिकतर कंटेंट पृथ्वी एवं इसके जैविक परिस्थितियों में विविधता और मानवता का परिचय देता है। जहां एक ओर आसमान छूती इमारतें इंसानों की प्रगति को दर्शा रही हैं, तो वहीं नग्न स्थिति में खड़ी पुरुष और महिला का चित्र इंसानी शरीर की रचना को दिखाते हैं। इसके अलावा इस ऑडियो संदेश में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का संदेश भी मौजूद है। जिमी कार्टर अनजान एलियंस को संबोधित करते हुए कहते हैं, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम अ स्मॉल डिस्टेंट वर्ल्ड, अ टोकन ऑफ आवर साउंड्स, आवर साइंस, आवर इमेजेस, आवर म्यूजिक, आवर थॉट्स एंड आवर फीलिंग्स। वी आर अटेम्प्टिंग टू सर्वाइव आवर टाइम सो वी मे लिव इन टू योर्स। इन सब शुभकामनाओं के साथ इंसानों ने वॉयजर के जरिए अपने आर्ट को भी एलियंस तक पहुंचाने का प्रयास किया है, मगर वो कैसे? वो ऐसे कि इस गोल्डन रिकॉर्ड में दुनिया भर के चुनिंदा आर्टिस्ट के म्यूजिक रिकॉर्ड्स को भी डाला गया है। इन टोटल वॉयजर ऑडियो रिकॉर्ड में 90 मिनट का वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक स्टोर्ड है। भारत की ओर से इस ऑडियो लाइब्रेरी में 20वीं सदी की प्रख्यात गायिका केसरबाई केरकर का गीत जात कहां हो शामिल है। यह गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग भैरवी की एक शानदार प्रस्तुति है। इन्हीं सब इमेजेस, साउंड्स, म्यूजिक्स, मैसेजेस और ग्रीटिंग्स को जमा करने में करीब करीब 1 साल का वक्त लग गया था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कार्ल सेगन और उनकी टीम ने दुनिया भर के कई देशों की जानकारी का जायजा लिया और इस लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद हर एक ऑडियो, इमेज एवं म्यूजिक रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने हाथों से चुनकर इस रिकॉर्ड में डाले। यह रिकॉर्ड ओरिजिनली फ्रांस से अमेरिका मंगवाया गया और इसे बाद में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में ही डेवलप और एनरिच किया गया और वॉयजर यानों की लॉन्च से जस्ट पहले स्पेसक्राफ्ट में लगे ऑनबोर्ड फोनोग्राफ में इसे इंस्टॉल भी किया गया। इसके बाद तय की गई तारीख पर ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए और हमेशा के लिए मानवों का ये संदेश बाहरी अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। तो दोस्तों, क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया
कि आखिर जैसे तैसे ये अंतरिक्ष यान एलियंस तक पहुंच भी गया तो आखिर एलियंस इन सब जानकारियों को प्ले कैसे करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड के ऊपर उन्हें प्ले करने के सभी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, मगर क्या वो उन्हें समझ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।